अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने अपने रूटीन से थोड़ा सा हट के काम करना है। जब भी हम काम करते हैं रिटर्न करते हैं, आज हमने रिटर्न नहीं करना, आज हम सारा ओरल करेंगे। आज हम मैं आपको खाना खाने के आदाब बताऊँ, ठीक है। खाना खाने के आदाब क्या होते हैं ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। हम लंच ब्रेक में ये सारे इस्तेमाल भी करते हैं, सब करते हैं ये काम हम सब। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए बच्चों, सबको पता है ना। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं, खाना शुरू करने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे खाना किस हाथ से खाते हैं, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए। दाएं हाथ से सारे बच्चे खाना खाते हैं ना, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? खाना बैठ कर और आराम से खाना चाहिए। जैसे सारे सीट पे बैठ के टेबल्स पे आराम से खाना रख के तो हम बच्चे सारे फिर खाते हैं ना लंच ब्रेक पे, वैसे खाना बैठ के और आराम से खाना चाहिए। खाना खाने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? खाना खाने के बाद हम पढ़ते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरा शुक्र है। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। ये खाने के आदाब सबको याद भी है, सबको करने भी है याद, ओके। और फिर अच्छे से इसको अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अप्लाई भी करना है, ओके। जब भी घर में खाना खाएं, स्कूल में, लंच ब्रेक में खाएं, जहाँ भी खाना खाएं, सब ये उन चीज़ों को, खाने के आदाब को मद्देनज़र ज़रूर रखना है सबने, ओके जी। सब अपना ख्याल रखिएगा, ओके जी। अल्लाह हाफिज़।